हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.6 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 इनटू dx। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। नंबर टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। नंबर थर्ड, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसी से हम साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी निकालते हैं। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम इधर लेके आते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब यहां से कोस क्यूब थीटा की आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। तो कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू होगा कोस 3 थीटा और प्लस में 3 कोस थीटा अपॉन में आपका 4। ये आपको 6 आइडेंटिटीज है याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर है तो आप आइडेंटिटी फर्स्ट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा के रिप्लेस पे आपका ये है तो 2x प्लस 5 और अपॉन में 2 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, 1 अपॉन 2 इंटू डीएक्स माइनस 2 इसके नीचे भी है तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10 इंटू डीएक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट डीएक्स का x माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन 4x प्लस 10। अब देखो यहां x के रिप्लेस पे है 4x प्लस 10, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या करना है, डेरिवेटिव। तो 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 4 और प्लस 6, तो इसका आंसर होगा x बाय 2 माइनस 2 4 या 8 तो 1 अपॉन 8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 और प्लस में c, ठीक है, ये इसका आंसर है, क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, साइन क्यूब, तो आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, तो इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा, थीटा के रिप्लेस पे है 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3 थीटा और थीटा के रिप्लेस में क्या है 2x प्लस 1 और अपॉन में आपका 4 इंटू dx। अब क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं, 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसको साइड में कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस, देखो 4 इसके नीचे भी है तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 इंटू डीएक्स, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का नीचे डेरिवेटिव 2 और इंटू में क्या है 3 अपॉन 4, ठीक है। फिर माइनस 1 बाई 4 साइन का इंटीग्रेशन कोस माइनस तो प्लस हो जाएगा 6x प्लस 3
और देखो 6x plus 3 का नीचे डेरिवेटिव 6 और प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3 cos 2x plus 1 और अपॉन में 4 टू जा 8 और प्लस 1 अपॉन 6 4 जा 24 cos 6x plus 3 और प्लस में c। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x into dx। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, cos की पावर 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें हम ये पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा के रिप्लेस में क्या है 2x, 2 टू जा 4x अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर इनटू dx। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो पहले देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो उसको मैं बाहर लिख देता हूं। अब मेरे पास बच गया 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इनटू dx, ठीक है। अब देखो अगेन आपका cos स्क्वायर 4x आ गया, फिर से हम यही आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus cos 2x, x के रिप्लेस पे है 4x, तो ये हो जाएगा 8x और अपॉन में आपका 2 और प्लस 2 cos 4x into dx, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, चाहो तो इसको और भी सेपरेट कर सकते हैं, 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, 1 by 2, तो देखो 1 प्लस 1 by 2, तो इसको मैं 3 by 2 लिख देता हूं, और प्लस में cos 8x upon 2, cos 8x upon 2 प्लस 2 cos 4x into dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 by 4 तो कांस्टेंट है, ओके, 3 by 2 भी कांस्टेंट, और इनटू में dx आएगा। देखो ये dx है वो सभी के साथ में ही है, तो 3 by 2 के साथ में भी dx है, तो dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, फिर प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, और 8x का नीचे क्या होगा डेरिवेटिव 8 आ जाएगा, और नीचे इसके 2 है तो इनटू में 2 लिख दो, फिर प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और 4x का नीचे डिफरेंशिएशन 4 और प्लस में लगाएंगे c। बस अब इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा 1 by 4 और 3x upon 2 प्लस sin 8x upon 16 और प्लस में देखो 2 से कट गया ये sin 4x upon 2 और प्लस में c, ये इसका आंसर है, ठीक है। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, ये तो सिंपल है, sin स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, सिंस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा के रिप्लेस में क्या है bx है, तो ये हो जाएगा 2bx अपॉन 2 इनटू dx। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 इनटू dx माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2bx इनटू dx। अब 1 by 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1 by 2 कांस्टेंट, cos 2bx का इंटीग्रेशन sin 2bx अपॉन
टू बी एक्स का नीचे डेरिवेटिव तो 2b आ जाएगा और प्लस में c, बस हो गया इसका आंसर। x बाई टू माइनस टू टू या 4, तो साइन 2bx अपॉन में 4b प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 को लेते हैं, सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाई टू इंटू dx। तो कौन से आइडेंटिटी लगानी है आपको, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कोस टू, थीटा के रिप्लेस पे है एक्स बाई टू और अपॉन में टू इंटू डी एक्स। टू से टू आपका कैंसिल, आपके पास बच गया वन माइनस कोस एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू इंटू डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वन बाई टू कॉन्स्टेंट डी एक्स का एक्स माइनस वन बाई टू और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इसमें से 1 बाई टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 बाई टू कॉमन x माइनस साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 6 का भी इजी है, ऐसे ही कर देंगे, सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा के रिप्लेस पे x बाई टू और अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। टू से 2 कट गया, 1 प्लस कोस x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। बस इसको मैं सीधा ही इंटीग्रेट कर देता हूं, ये आएगा x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और प्लस c। इसमें 1 बाई टू कॉमन ले लो, x प्लस साइन x प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एनएक्स इनटू डीएक्स। इसमें कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाते हैं, सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा क्या है nx, तो ये बनेगा 2nx अपॉन 2, तो 1 बाई 2 और इनटू में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2nx का sin 2nx अपॉन 2nx का नीचे डेरिवेटिव 2n प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं 8। अब देखो 8 को कैसे करना है, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो अगर इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो रूट 2 को तो मैं पहले लिख देता हूं, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगेन साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2, तो यहां लिख देता हूं 2 और इंटू में डी एक्स। अब इस रूट से तो ये आपका रूट बन गया और अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, 1 अपॉन रूट 2, 1 का एक्स हो जाएगा माइनस कोस 2 एक्स का साइन 2x और 2x का नीचे डेरिवेटिव 2,
ठीक है, और प्लस में c, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन अंडर रूट टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू रूट टू प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.6 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।